को बहुत बहुत प्यार करते। आप सभी गुरु भाई बहनों को हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो प्रोग्राम है वो हमारे गुरुदेव के परम पूजनीय स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के सानिध्य में निरंतर चल रहा है और गुरु कृपा से आगे भी चलता रहेगा। ये प्रोग्राम जो है हमारा नियमित डेली जो है वो मंडे टू संडे चलता है। इवनिंग में इसका शेड्यूल बता देते हैं हम, ये 7:10 से शाम को 7:25 तक हम अपने गुरुदेव के श्री मुख से उनकी वाणी को सुनते हैं और 7:30 से 7:45 तक हम अपने गुरुदेव का 15 मिनट के लिए ध्यान करते हैं और उसके बाद 7:45 से 8:30 तक हम अपने गुरुदेव के चर्चा करते हैं। गुरुदेव की ने जो हमें साधना दी है सिद्ध योग नाम से, उसकी चर्चा करते हैं, उसके बारे में अपने अनुभव शेयर करते हैं। सभी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को रखते हैं, उनके अंदर जो प्रश्न होते हैं उनको इस प्रोग्राम में रखते हैं। एक सेशन डेली जो है हमारा, ये सेशन इवनिंग में चलता है और मॉर्निंग में भी हमारा डेली जो है मंडे टू संडे चलता है सेशन, वो 5 बजे सुबह से यानी 5:00 से 5:15 तक जो है उसमें हम अपने गुरुदेव के श्री मुख से गुरुदेव की वाणी को सुनते हैं और 5:15 से 5:30 तक हम मेडिटेशन करते हैं। एक स्पेशल प्रोग्राम हमारा जिसको हम कह लें कि बच्चों के लिए होता है, वो संडे को होता है मॉर्निंग में, जो कि 9 से 9:00 मॉर्निंग में और 10:00 तक चलता है। उसमें ये बच्चों का प्रोग्राम होता है। इसमें जो बच्चे इस साधना से जुड़े हुए हैं वो अपनी अनुभूतियों को शेयर करते हैं। बड़ी अच्छी अनुभूतियां होती है, बहुत छोटे से बच्चे होते हैं और इतनी उच्च श्रेणी की उनकी साधना चल रही है तो वो अपनी चीजों को इस मंच पे रखते हैं। तो बड़ा ही सुंदर और बड़ा स्पेशल प्रोग्राम वो हमारा संडे को भी रहता है मॉर्निंग में जो बच्चों का होता है। बाकी ये हमारा डेली सेशन चलता है। अब इस सेशन में, इस प्रोग्राम में होता क्या है इस बारे में भी हम आप लोग को जानकारी देते हैं। जो हमारे गुरु भाई बहन नए जुड़ रहे हैं या इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे देखते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि ये साधना एक्चुअली है क्या। ये एक मेडिटेशन का प्रोग्राम है और बड़े उच्च स्तर की साधना है और ये हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने हम लोग को ये साधना प्रदान की है, जो कि परम ईश्वर है, परम सत्ता है। उनको 2 सिद्धियां प्राप्त हुई हमारे गुरुदेव को, एक गायत्री के रूप में निर्गुण की सिद्धि और राधा कृष्ण के रूप में सगुण की सिद्धि उनको प्राप्त हुई। एक ही जीवन में, एक ही शरीर में 2 सिद्धियां होने की वजह से इनकी फोटो से ही मेडिटेशन हमें ध्यान होता है और सारे जो हमारे अंदर परिवर्तन आ रहे हैं वो हमारे अंदर इन्हीं गुरुदेव की तस्वीर से ही आता है परिवर्तन। अब इस साधना में हमें करना क्या है, ये बहुत ही सहज और सरल, बड़ी सिंपल साधना है। आपको अगर इस सिद्धियों से जुड़ना है, गुरु भाई बहनों को, जो नए गुरु भाई बहन है अगर उनको इस साधना से जुड़ना है तो आपको क्या करना है ये भी मैं क्लियर कर दूं कि सबसे पहले हमें अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के श्री मुख से हमें उस मंत्र को, संजीवनी मंत्र को सुनना है, क्योंकि उन्हीं की आवाज में जब हम इस मंत्र को सुनते हैं तभी हमारे अंदर जो है वो जो डिवाइन पावर है वो एक्टिव होती है, जिसको कि हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं और बाहर जिसको हम राधा पार्वती और सीता के नाम से ढूंढ रहे हैं वो एक्चुअली में हमारे अंदर ही विराजमान है। वो देवी शक्ति जो है हमारे अंदर ही विराजमान है जिसको कि हम बाहर ढूंढते हैं। तो जब हम अपने गुरुदेव की श्री मुख से इस मंत्र को सुनते हैं, जो कि राधा कृष्ण का छोटा सा मंत्र है, इसको संजीवनी मंत्र कहते हैं, तो हमें उस मंत्र को सुनना है। उस मंत्र को सुनते ही हम दीक्षित हो जाते हैं, गुरुदेव के द्वारा हम दीक्षित हो जाते हैं और फिर हमको गुरुदेव की तस्वीर को, फोटो को 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से क्लियरली देखना है, अपने गुरुदेव को बहुत प्रेम से देखना है, श्रद्धा से देखना है और फिर हमको उनको आज्ञा चक्र पे यानी कि माथे पे दोनों भौं के बीच में उनके उस सुंदर चित्र को
इमेजिन करना है, यानी कि आज्ञा चक्र पे, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, दोनों भावों के बीच की जो जगह होती है, जिसको भी हम शिव केत्री नेत्र भी बोलते हैं, वहां पे हमको अपने गुरुदेव की उस सुंदर चित्र को निहालना है आंख बंद करके, और 15 मिनट के लिए गुरुदेव से हमें आज्ञा लेने की, गुरुदेव अपनी शरण में लीजिए और 15 मिनट के लिए हमें ध्यान में बैठा दीजिए। और जैसे ही हम 15 मिनट ध्यान में बैठते हैं, तो हमें जो वो मंत्र गुरुदेव देते हैं, उस मंत्र का हमें मानसिक जाप कंटिन्यूअस करना है 15 मिनट, बिना होठ जीभ हिलाए हुए। इसको हमें माला से नहीं जपना है, केवल मेंटली मेंटल चैंटिंग करनी, यानी कि हमें सोचना है जैसे कि हम बुक्स और मैगजीन को पढ़ते हैं, बस इतनी सिंपल सी साधना है। ये तो हमारा हुआ मेडिटेशन का, जिसमें है कि हमें 2 टाइम्स का मेडिटेशन करना है 15-15 मिनट के लिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में। इसमें भी हमको गुरुदेव ने कोई बंधन नहीं, बॉन्डेशन नहीं किया है कि आप मॉर्निंग में सुबह ही जल्दी उठ के ही करें, या किसी फ्रेश जगह पे बैठें या फ्रेश होके ही करें, ऐसा कोई बॉन्डेशन नहीं है इस साधना में। आप जिस तरह भी अपने को रिलैक्स पाते हैं, वैसे ही आप बैठ जाइए, आप बिस्तर पे बैठ जाइए, फ्लोर पे बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, आप बस इस 15 मिनट जो है आप गुरुदेव को ध्यान करिए और उस मंत्र को सोचते रहिए। तो हमें मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम 15-15 मिनट के लिए अपने गुरुदेव का ध्यान करना है। तो ये तो हो गया मेडिटेशन। उसके बाद यही जो मंत्र हमको गुरुदेव देते हैं, इस मंत्र को हमें 24 आवर्स राउंड द क्लॉक सोचना है। आप किसी भी स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, क्योंकि सोचना है इसलिए कोई परेशानी ही नहीं है कि हम किसी भी स्थिति में हो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते किसी भी कंडीशन में हो, हमें बस इस मंत्र को सोचते हैं। तो जितना ही ज्यादा से ज्यादा हम इस मंत्र को सोचेंगे, उतना ही हमारे अंदर परिवर्तन चेंजेस आएंगे और हम गुरुदेव के करीब पहुंचेंगे। गुरुदेव फरमाते हैं कि इस मंत्र को बहुत ही सघन हमको करना है, मंत्र जाप। जितनी जल्दी सघन मंत्र जाप हमारा होगा, उतना ही हमारा कनेक्शन जो गुरुदेव से है वो एक अटूट हो जाएगा, एक कनेक्शन जो है हमारा, एक जो है ऐसा कनेक्शन हो जाएगा कि हर क्षण हर पल गुरुदेव आपके साथ रहेंगी, आपकी जितनी भी समस्या है सब सारी समस्याएं इस महायोग सिद्ध योग जिसको हम कहते हैं उससे सॉल्व होती चली जाएगी। अब इस योग में है क्या कि इस योग में जितने भी तरह तरह के हमारे योग हैं, जितने की अलग अलग लोग योग करते हैं, बहुत लोग ऐसी विधाओं से जिसमें किसी एक ही योग को सीख पाते हैं, चाहे वो भक्ति योग को कोई सीख रहा है, तो कोई क्रिया योग, कोई लय योग, कोई हठ योग, इस तरह से योग अलग अलग लोग सीखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमको कुछ भी सीखना नहीं है। इस सिद्ध योग जिसको कि हम महायोग कहते हैं, ये अपने आप में पूर्ण है, यानी कि ऑल इन वन कह लीजिए, एक मेडिटेशन प्रोग्राम है जिसमें आपकी हर चीज इसके अंदर आ जाती है। आपको कुछ एफर्ट्स बाहर से नहीं डालना है, बस हमें 2 टाइम का ध्यान करना है 15-15 मिनट के लिए अपने गुरुदेव का, और जो गुरुदेव हमको संजीवनी मंत्र दे रहे हैं उसका हमें 24 आवर्स मेंटल चैंटिंग करनी है, बस यही हमारी साधना है। और इस साधना से आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी भौतिक परेशानियां हैं, हमारी शारीरिक परेशानियां हैं, कुछ परेशानियां हमारी स्पिरिचुअल होती हैं, आध्यात्मिक परेशानियां होती हैं, जिनको कि हम समझ नहीं पाते हैं, जो कि हमारे विज्ञान की लेबोरेटरी में भी नहीं आती हैं, वो भी परेशानियां हमारी सब समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके लिए हमें मंत्र जाप बहुत सघन करना है, अपने गुरुदेव के प्रति बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा। तो चलिए इस प्रोग्राम को अब हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में उनका आशीर्वाद लेते हुए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। सभी भाई बहन अपने अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को, सभी लोग परिचित हैं अपने इस प्रोग्राम से, तो इस मंच पे रखें, शेयर करें, जिससे कि हमारे नए भाई बहनों जो हमारे जुड़ते हैं उनको बड़ा ही थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। आप लोग के प्रेरणादायक जो अनुभव होते हैं, अनुभूतियाँ होती हैं, बड़ा उनसे उनको हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है जब ये प्रोग्राम हमारा यूट्यूब पे जाता है और लोग नए नए लोग जो देखते हैं कि आखिर ये चीज क्या है, तो वो साधना तो समझ लेते हैं, करते भी हैं, लेकिन जब हमारे एक्सपीरियंसेस वो सुनते हैं तो उससे उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है, उनको क्लियर होता है कि आखिर ये साधना है क्या। तो प्लीज सभी लोग हैंड रेस करें
कभी भाई बहन मंच पे अपने गुरुदेव इस मंच को शेयर करें, हैंड रेस करते हुए अपनी बात को रखें मंच पे। जय गुरुदेव। इस साधना से संबंधित भी अगर कोई प्रश्न उठता है, कोई भी नए भाई बहन जुड़े हैं, तो वो जरूर प्रश्न को रखें मंच पे और निसंकोच होके पूछें मंच पे। इस साधना को करते हुए बहुत बहुत बड़े बड़े परिवर्तन गुरु भाई बहनों में हो रहे हैं, हमारी वृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है, हमारी जो पुरानी चीजें आदतें थी वो छूट रही हैं, हमारे जो कर्म थे, जो हमारे पहले हम जो कर्मकांड करते थे बहुत लोग के, वो भी खत्म हो चुके हैं। उनको भी समझ में बहुत ही क्लियर गुरुदेव ने उनको समझा दिया है कि बाहर कुछ भी नहीं है, ये अंतर्मुखी साधना है और हमेशा जो है जो परमात्मा है ईश्वर जो है वो हमें अंतर्मुखी होकर ही मिलता है, बाहर कहीं भी नहीं है ईश्वर, और गुरु की ही शरण में जाने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु ईश्वर में कोई भेद भी नहीं है, कोई दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, ईश्वर की शक्ति ही गुरु के अंदर व्याप्त रहती है और ईश्वर जो है अपनी ज्ञान देता है और अपने भक्तों को, अपने जितने भी लोग ईश्वर की साधना करते हैं उनको सही मार्ग दिखाता है गुरु के माध्यम से। इसीलिए हम गुरु को बहुत ही उच्च मानते हैं, सर्वोत्तम रखते हैं, हम ईश्वर से भी बड़ा गुरु को मानते हैं। हमारे गुरुदेव तो साक्षात ईश्वर हैं, समर्थ हैं, तो उनके लिए हम जरूर इस मंच पे अपनी बातों को रखें, शेयर करें अपनी अनुभूतियों को, चाहे वो छोटी सी अनुभूति क्यों ना हुई हो, लेकिन जरूर से मंच पे रखें। एक प्रश्न भी, एक गुरुदेवी प्रश्न जो है वो हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में लाते हैं, अंदर प्रेरणा देते हैं प्रश्न की रखो इस मंच पे। कि बहुत लोगों को ये जाप वो कैसे की, कैसे जो है सघन किया जाए, ये तो सब गुरुदेव ही करवाने वाले हैं, गुरुदेव जब चाहेंगे तभी हो पाएगा हमारा मंत्र जाप, तो क्या केवल हम गुरुदेव को ही से ही प्रार्थना करें? हम गुरुदेव से तो प्रार्थना करें, लेकिन अपना कुछ बौद्धिक प्रयास भी करना चाहिए कि नहीं मंत्र जाप करने के लिए हमें, ये प्रश्न है हमारा एक, कि हमें क्या बौद्धिक प्रयास भी जरूर करना चाहिए मंत्र को जपने के लिए, सघन मंत्र जाप करने के लिए? गुरुदेव से तो हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन हमें क्या बौद्धिक प्रयास भी करना चाहिए मंत्र के लिए? जैसा कि है कि इस साधना में हमें कोई भी बुद्धि नहीं लगानी है, लेकिन क्या मंत्र के लिए हम बौद्धिक प्रयास कर सकते हैं? तो इसका भी हमें इस मंच पे गुरु भाई बहन, ये प्रश्न हमने रखा है, इसका भी गुरु भाई बहन अपने अपने विवेक से जरूर आंसर दें आज। बहुत लोगों को ये रहता है कि हमारा मंत्र नहीं हो पा रहा है, गुरुदेव जब चाहेंगे तभी होगा, तो हमें बौद्धिक प्रयास भी कुछ करना चाहिए। गुरुदेव से हम प्रार्थना करें कि हमारा मंत्र करवाएं, लेकिन हमारा जो सोचना है कि हमें थोड़ा बहुत अपना बौद्धिक प्रयास भी, कर्म जिसको हम कहते हैं कि वो भी करना चाहिए कि हम मंत्र को जपें, तो ये प्रश्न उठता है। तो विनोद पुरोहित जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया, गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। गुरु भाई अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा प्लीज। जय गुरुदेव सबको। मैं देखिए, मैं अपने मन के भाव, अपने मन के विचार जो है रखना चाहता हूं इस विषय पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दोनों बातों का ही महत्व है और दोनों ही बातें सच हैं। ये भी सच है कि जो है गुरुदेव जी है वो ही हमें पकड़ते हैं, गुरु ही अपने शिष्य को ढूंढता है, वो बात भी सही है बिल्कुल, कि शुरुआत जो है वो गुरु ही करता है, गुरु ही पकड़ता है हाथ। लेकिन खुद गुरुदेव ने अपनी
स्पीच में कई बार कहा है, यहाँ तक कहा है कि नाम नहीं जपोगे तो कुछ भी नहीं होगा, नाम नहीं जपोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और गुरुदेव ने जो है ये बार बार बोला है कि भाई 15 मिनट सुबह शाम जो है ध्यान करना है, और राउंड द क्लॉक साइकिल की चेन की तरह, तेल की धार की तरह आपको नाम जप करना है, और नाम नहीं जपोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि भाई हमारी जो है वो जिम्मेवारी भी है जो हमें खुद निभानी है, अपने प्रयासों से निभानी है। और गुरुदेव ने ये भी कहा है कहीं ना कहीं, कुछ जो है पुराने साधक भी बताते हैं कि इस साधना में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी गुरुदेव की है। तो हमें जो है जब हम अपनी ड्यूटी जो है करते रहेंगे, सुबह शाम ध्यान करेंगे, नाम जप करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो फिर साधना में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी गुरुदेव की है, वो अपने आप ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये भी देखा गया है कि कुछ लोग ये समस्या बताते हैं कि जी हम तो जो है नाम जप नहीं कर पाते, ध्यान में भी बैठते हैं तो भी नाम जप नहीं, और अलग अलग लोगों की समस्या होती है। एक महिला है जो कहती है मेरे को तो राधा का मंत्र आता है जबान पे। अच्छा। कोई जो है साधक ये बताते हैं कि भाई जो है हमसे जो है मंत्र का उच्चारण नहीं हो पाता जी। तो इस तरह की जो है वो समस्याएं जो है किसी किसी को हो सकती हैं, उनको फिर विशेष जो है प्रयत्न करने पड़ेंगे, कुछ सलाह मशवरा भी करें पुराने साधकों से, उससे भी उनको जो है फायदा होगा, और बाकी गुरुदेव से प्रार्थना भी करें। तो जी मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये दोनों ही बातें सच हैं, हमारे अपने प्रयास भी जो है उनका भी महत्व है, और गुरुदेव की जो है वो तो दया है ही है, करुणा है ही है। बाकी और मैं क्या कहूँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत अच्छा आपने शुरुआत करी इस जो प्रश्न रखा गया आज मंच पे उसकी। अब जो गुरु भाई ने अभी फरमाया है कि दोनों चीजें जरूरी हैं, तो इस बात से कितने गुरु भाई बहन सहमत हैं जरूर हैंड रेज करके बताएं। गुरु भाई ने कहा कि हमें अपना प्रयास भी करना है और गुरुदेव की दया तो रहेगी, कृपा रहेगी, तभी कुछ होगा। तो लेकिन गुरुदेव फरमाते हैं कि सघन मंत्र जाप करिए, यानी कि लगता है यहाँ इस गुरुदेव की इस वाणी से तो लगता है कि हमें अपना बौद्धिक प्रयास जरूर करना है, कर्म तो जरूर करना है, उसको मंत्र को जरूर जपने बैठना है। तो अभी जो गुरु भाई ने बताया, तो उससे कितने गुरु भाई बहन सहमत हैं या कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं इस प्रश्न पे, तो जरूर रखे मंच पे। सभी का स्वागत है। अनुभा जी, गुरु बहन आपका स्वागत है बहुत बहुत मंच पे। गुरु बहन कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा। गुरु बहन एक मिनट, ज्यादा लंबी बात नहीं है वैसे तो, बस आपने जैसे बोला मेरी आवाज आ रही है गुरु बहन? हाँ गुरु बहन आपकी आवाज आ रही है, अगर कोई इश्यू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज। एक मिनट गुरु बहन। हाँ गुरु बहन, मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ जी गुरु बहन। हाँ गुरु बहन, तो आपने बस मेरे को ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट चाहिए थे। आपने पूछा कि क्या आपने बौद्धिक प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको, पहले तो बहुत बहुत जय। हाँ जी, तो आपने पूछा कि क्या इसमें बौद्धिक प्रयास का कोई महत्व है, तो मेरे एक्सपीरियंस में तो हाँ थोड़ा सा, तो मतलब गुरुदेव ने कहा है कि थोड़ा प्रयास तो बुद्धि से भी थोड़ा करना पड़ता है, ध्यान में नहीं करना पड़ेगा पर मंत्र जप में थोड़ा इनिशियल में तो करना पड़ता है जब तक आपको अजपा ना लग जाए। तो हाँ बौद्धिक प्रयास थोड़ा अपने लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई और तो है नहीं आडंबर, तो थोड़ा बहुत तो बौद्धिक प्रयास करना चाहिए। मैंने भी किया हुआ है, और एक्चुअली मेरे साथ ये रहा ना कि मैंने लंबे टाइम इंतजार किया कि वो अपने आप होगा,
तो वह जब बहुत अपने आप नहीं हुआ तो फिर बौद्धिक प्रयास जब किया तो चीजें फिर होती चली जाती हैं। हाँ, बौद्धिक प्रयास के बाद जैसे भी गुरु भाई ने कहा, वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई है कि पहले मैंने बौद्धिक प्रयास किया तो बहुत इजीली मंत्र जप होने लगा, फिर उसके बाद बीच में थोड़ा सा ऐसा हुआ कि वो चलता रहता था, वो ऑटोमेटिकली चलता था। अब इसकी रीजन तो एक्चुअली क्या है ना, गुरु भाई गुरुदेव ही ज्यादा बेहतर जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब इनिशियल में हम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे थे, मतलब मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रही थी और बौद्धिक प्रयास से थोड़ा थोड़ा करती तब मंत्र जप इजीली निकल रहा था। फिर बीच में ऐसा नहीं हुआ कि बुद्धिक प्रयास हमेशा ही किया, फिर ठीक है बहुत इजी इजी चलता रहा, फिर धीरे धीरे वो पता नहीं क्यों कम होता चला गया और फिर मंत्र जप में थोड़े सी वही बीच का जो शब्द है उसमें निकलने में उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत सही नहीं निकलती थी, अंदर जब बोलने की बारी आती थी तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आने लगी। फिर वापस जोर लगा के फिर वापस से बौद्धिक प्रयास किया और जब दूसरी बार बौद्धिक प्रयास किया तो मैं ये कह सकती हूँ कि प्रयास में ये प्रॉब्लम होती है कि वही जो बीच का जो है ना वो या तो बहुत जल्दी निकल जाता है, वो क्लियरिटी नहीं आती, मतलब मैं उसे सेटिस्फाइड नहीं रहती हूँ उस मंत्र जब से। मैं खुद मैं ये नहीं कहूंगी गलत है या सही है, बट मेरा सेटिस्फेक्शन, क्योंकि मैंने एक टाइम पे बहुत सही से भी होता था मुझे, तो अब जो वो होता है वो उससे मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं रहती, पर मैं दिन भर करने की कोशिश करती हूँ, कभी सांसों की लय पे, कभी चल रहे हैं फिर रहे हैं जैसे कदम जितने ले रहे हैं, कभी खाना बना रहे हैं, तो मतलब जितना हो सकता है दिमाग पे याद करके, कभी बैठ के भी, मैं गुरुदेव का प्लेटफॉर्म है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने बैठ के भी प्रयास किया है बहुत लंबा। बस अंतर जो आया जो बहुत, और फिर अब नहीं करती हूँ बैठ के, मैंने साल भर कोशिश की बैठ के करने की, पर अंतर जो आया उसके बाद वो है कि जो मैंने बौद्धिक प्रयास किया उसके बाद गुरु बहन परिवर्तन तेज आ गए एक्चुअली। तो अब मैंने क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ मंत्र तो मैं कर रही हूँ ना, मंत्र मैं लगातार कर रही हूँ क्योंकि मेरा ध्यान पूरा गुरुदेव पे कंसेंट्रेटेड है, तो गुरुदेव मंत्र कैसा चलाते हैं वो जानते हैं, वो बुद्धि के प्रयास से बस मैं करने की कोशिश करती रहती हूँ। बट हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आध्यात्मिक रूप से मुझ में बहुत तरह के परिवर्तन आए, बहुत अनुभूतियां हुई, तो ये तो पक्का है कि मैं आध्यात्म से कनेक्ट ही ज्यादा हो रही हूँ, मतलब गुरुदेव से ज्यादा कनेक्शन फील होता है, सब कुछ वो बढ़ रहा है। हाँ, मंत्र से अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे अजपा नहीं लगा है, बट बीच बीच में मुझे कभी नाद सुनाई दे जाता है, बीच बीच में कभी कभी मुझे नाद सुनाई देता है, तो हाँ ये तो कह सकते हैं कि डायरेक्शन तो सही पकड़ रखा है, गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है गाड़ी। तो हाँ, जब से मैं वो एक कहते हैं ना, एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं है, अजपा भी नहीं लगा है, लेकिन हाँ बौद्धिक प्रयास से फिर एक होता है ना कि बहुत इस बीच में परेशान भी रही कि क्यों नहीं हो रहा है, जब ढंग से क्यों नहीं हो रहा है, पर वो जो मैंने कहा ना मैंने बैठ के जो किया उसकी वजह से ऐसा हुआ ना कि मैं बहुत ज्यादा गुरुदेव पे कॉन्सेंट्रेट हो पाई और जो मेरी साधना जो बहुत बुरे से अटक गई थी वो चली, वो आगे बढ़ी, वो जो बिल्कुल कहते ना कि रुक गया था बिल्कुल ही, कुछ कुछ कनेक्शन टूटा टूटा सा लगता था तो कनेक्शन दोबारा बन गया, तो अब मुझे बैठ के करने की आवश्यकता नहीं होती, अब मैं कहीं पे भी हूँ बैठ के भी कर लेती हूँ, नहीं तो चलते फिरते पर करती रहती हूँ, अब वो चीज मेमोरी में बनी रहती है। हाँ, मंत्र जब उतना क्लियर नहीं होता है मेरा, पर मैं कोशिश कर रही हूँ, किसी दिन तो होगा, तो वो तो कोशिश कहते हैं ना गुरुदेव ने कहा कोशिश करते ना, वो तो बाकी गुरुदेव का प्रसाद है, वो तो जिस दिन भी घटित होना का हो जाएगा, ये एक छोटी सी बात है। तो गुरु बहन थोड़ा बुद्धिक प्रयास करिए, अगर जिनको प्रॉब्लम आती है, जिनको बहुत इजीली हो जाता है, इनफैक्ट गुरु बहन मैं आपको एक बहुत आश्चर्यजनक बात बताऊंगी, मैंने सबको बहुत बताया कि मेरे जो हेल्प आती है घर में उसको अजपा लगा हुआ है, शायद मैंने ये बहुत बार बताया है शायद मंच पे, कि उसको अजपा पहली बार से जब से उसने गुरुदेव से दीक्षा ली है उसको एक दो बार मैं कहती रात को भी उठती तो उसको अजपा का मतलब नहीं पता है, पर वो खुद बताती है कि उसको रात को भी उठती है तो मंत्र अपने आप जपा जाता है, तो मैं कहती हूँ बहुत लकी है वो, बहुत अच्छा है। बट एक बहुत विचित्र सी बात है, वो फिर भी गुरुदेव के साथ बिजनेस डील जैसे ही करना चाहती है, मतलब उसका टाइम टाइम पे छिटक छिटक के इधर उधर जाना, मतलब उसकी बहुत प्रॉब्लम गुरुदेव सॉल्व करते हैं, पर उसको लगता है ये उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं, मतलब जो चीज सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग जो मानवीय दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि गुरुदेव कभी किसी से जलना या आप जलते हो किसी से उसका बुरा तो कभी करेंगे नहीं गुरुदेव, उसका अनिष्ट तो करेंगे नहीं, तो उसका वो रहता ये क्यों नहीं, तो मैंने देखा है कि इतना अजपा चलने के बावजूद भी उसका भटकाव रहता है इधर उधर, जबकि वो साक्षात गुरुदेव के चमत्कार देखती है, तो मुझे नहीं समझ में आता अब ये क्या गुरुदेव की लीला है, तो मैं तो उसको यही कहती हूँ कि शायद मुझे जहां तक मेरे एक्सपीरियंस समझ में आया शायद गुरुदेव का अजपा एक तरह का प्रसाद भी होता है, जो बहुत साधकों को टाइम बाद लगता है वो बात अलग है, पर जिनको बहुत इनिशियल में लग जाता है शायद गुरुदेव चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव चाहते हैं वो अपने उनके और वो खुद
प्रयास शायद उतना ना कर पाए तो गुरुदेव थोड़ा प्रोटेक्शन देते हैं। और शायद जैसे हम जैसे लोग हैं जो कर रहे हैं तो गुरुदेव को लगता है कर लो तुम करो अभी कोशिश करते रहो, देखिए गुरुदेव का प्रसाद है कब मिलेगा। और हाँ कोशिश में करती हूँ और गुरुदेव से कनेक्शन फील होता है। और आपने कहा था अनुभूति छोटी हो तो बताऊं, तो वैसे तो दो अनुभूतियां हैं पर पहले लगा नहीं था कि बताऊंगी पर आज बस मन कर गया तो बता देती हूँ। पिछली बार गुरु पूर्णिमा की बात थी तो लगभग लगभग गुरु पूर्णिमा या 15 अगस्त में जी क्या डेट भी भूल गया, वो पुरानी बात हो गई, 15 अगस्त शायद 15 अगस्त की बात है, शायद 15 अगस्त की मैं ध्यान करके सोई थी। ध्यान करके मैं अक्सर बताती हूँ कि मुझे जितनी अनुभूतियां होती है वो ध्यान के बाद, तो उसमें जो 5 बजे का ध्यान होता है उसके बाद थोड़ी देर लेट जाते हैं उस समय का वो 15-20 मिनट जिसमें ना आप नींद में होते हो ना जागे होते हो वो कंडीशन, तो मुझे अक्सर गुरुदेव नहीं दिखते। ये मेरी शिकायत हमेशा से गुरुदेव से रही है कि गुरुदेव मुझे ध्यान के समय, इनफैक्ट ध्यान के समय भी उनका जो फोटो है वो स्थिर नहीं रहता मेरे, मतलब मेरे आज्ञा चक्र पे स्थिर नहीं रहता, वो गायब होता रहता है। उनकी कृपा होती है तब उस दिन तो वो दिखता है, वो कभी यदा कदा, कभी साल में 6 महीने एक बार कभी हो गया, वरना नहीं, वरना वो चलता था। मैं फिर अब परेशान भी नहीं होती, अब मैं सोचती हूँ कि गुरुदेव आपका मंत्र जप रही है, मंत्री आप हो तो आपको जब दर्शन देने हो दे देना आज्ञा चक्र पर, तो मैं ये उन पे छोड़ देती हूँ, तो कोशिश प्रार्थना करके बैठ जाती हूँ। तो जब अब ध्यान में तो मुझे दिखते ही नहीं, मैंने आपको बताया, बाद में 15 में भी नहीं दिखते, चीजें और दिख जाएंगी पर गुरुदेव कम ही दिखते हैं मुझे। तो मुझे 15 अगस्त के राउंड की बात है, तो जब वो गुरुदेव दिखते तो मुझे याद रहता है स्पेसिफिकली, कभी साल में 2-3 बार दिख जाते हैं, तो इस 15 अगस्त को दिखे थे। और मैंने सबको बताया भी था कि सारी गुरु, इस बार गुरु परिवार में बहुत से लोगों को गुरुदेव ने तिरंगे दिलवाए, तरह तरह के माध्यम से दिलवाए। तो मैंने जब तंद्रा में देखा कि गुरुदेव को, मैं एक आश्रम में गई हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं कोई आश्रम, जैसे जोधपुर आश्रम का हॉल है ऐसा कोई हॉल है, और वहां गुरुदेव की वो लगी है, मूर्ति लगी है, और मैं पीछे की रो में बैठी हूँ, बहुत सारे गुरु भाई बहन बैठे हैं। पर मुझे अजीब बात जो लगी, और वो बहुत इतना रियल था, मैं क्या बताऊं, वो इतना रियल था, तो आगे गुरुदेव खड़े हैं और वहां मूर्ति के बगल में ही रियल में गुरुदेव खड़े हैं, और रियल में कुछ गुरु भाई बहन हैं जिनका उन्होंने आगे, जैसे वो बच्चे होते हैं ना वो हाथ पकड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वो, मतलब ऐसे गुरुदेव ने, बीच में गुरुदेव है और सब भाई गुरु भाई बहन एक दूसरे का कहते ना ह्यूमन चेन की तरह हाथ पकड़ रखा है, और गुरुदेव क्या कर रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, बहुत खुश है, नाच, मैंने पहली बार गुरुदेव को नाचते हुए देखा, नाच रहे हैं, और गुरुदेव इतनी तेज तेज हाथ हिला रहे हैं कि जितने गुरु भाई बहनों ने उनके हाथ पकड़ रखे हैं ना जो आगे के बिल्कुल आगे स्टेज पर खड़े हैं वो सब हवा में उड़ रहे हैं, कोई हवा में उड़ जैसे झूला झूलते हैं ना वैसे गुरुदेव सबको झूला झूला रहे हैं, और सब इतना खुश और गुरुदेव नाच रहे हैं लिटरली। मैंने ऐसा, मुझे भी अजीब ही लगा कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, और रियल में तो कभी गुरुदेव को नाचते भी नहीं देखा, तो गुरुदेव इतना नाच रहे थे, और वो नाच रहे थे तो उनके साथ साथ सारे गुरु भाई बहन हवा में उड़ रहे थे, और मतलब अजीब ही सीन था वो, मैं समझा नहीं सकती हूँ। और कल आज सुबह मैंने ध्यान के बाद देखा था कि गुरुदेव बैठे थे, और मैंने देखा कि वो बैठे और उनकी गुरु माँ भी थी, गुरु माँ को भी देखा मैंने, तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे शिष्य, मैंने अपने आप को देखा, मेरे हस्बैंड को देखा, और भी थे शिष्य रहे होंगे, मैं सबको तो नहीं पहचानती, पर एक काफी सारा गोला था, गुरुदेव बीच में बैठे थे, गुरु माँ थी, लेकिन हम जितने भी हम लोग थे इंक्लूडिंग मी और मेरे हस्बैंड, हम सब लोग बड़े नहीं थे, हम सब लोग 10-10, 6-6, 7-7 साल के बच्चे थे, मतलब मैंने अपने आप को भी 6-7 साल, 8 साल की बच्ची देखा। हम सब गुरुदेव को घेरा करके बैठे हैं और गुरुदेव हमसे हंस रहे हैं, और बहुत तेज से हंस रहे हैं, बोला यारे थोड़ा टाइम परेशान किया ना कोई बात नहीं, अभी तुम सब लोगों को अच्छा लगेगा। तो पता नहीं कोई कहानी सुना रहे हैं हम लोगों को, पता नहीं क्या था, बस इतना पता है कि हाँ हम सब छोटे छोटे बच्चों की तरह गुरुदेव को घेर के बैठे, और इतना याद रहा मुझे कि गुरुदेव बहुत तेज तेज हंस रहे थे, मतलब किसी बात पे बहुत खुश थे, अब मुझे ये तो नहीं पता किस बात पे खुश थे, बस यही दो अनुभूति थी, तो मुझे लगा कि हाँ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने किया गुरु बहन, बाकी बस बहुत कि आपने शेयर किया, शेयर हमें जरूर करना चाहिए मंच पे, क्योंकि बहुत से नए गुरु भाई बहन हैं जो YouTube पे जब देखते हैं तो यही अनुभूतियां जो हम सब शेयर करते हैं मंच पे, ये उनके बहुत ही काम आती हैं, बड़ा उनको, उनकी साधना को आगे बढ़ाने में बड़ी प्रेरणा देती हैं ये अनुभूतियां। अभी आपने जो बताया कि आपकी जो मेड है जिसको अजपा लग गया है और तब भी वो एक निष्ठ नहीं है, अभी जो है इधर उधर है वो, तो
तो देखिए ये गुरु बहन उसके प्रारब्ध हैं, उसकी साधना या उसके कर्म के प्रारब्ध हैं कि उसको अजपा तो मिल गया, लेकिन जब हमारे अंदर चेंजेस आते हैं गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा प्रेम समर्पण इस तरह के जो चेंजेस आते हैं वृत्तियों में चेंजेस आते हैं, ये बहुत बड़ा दर्शन है गुरुदेव का, ये बहुत बड़ा प्यार है गुरुदेव का। पा लग गया ना सुनाई दे रहा है, लेकिन अभी हमारे गुरुदेव के प्रति वो निष्ठा नहीं है, वो विश्वास नहीं है, तो ये समझिए कि बहुत बड़ी कमी है। तो ये जब अंदर आती है तो ये समझिए बहुत बड़ी कृपा होती है हमारे गुरुदेव की, हमारे अंदर वृत्तियों में चेंजेस हो रहा है। आप हर समय गुरुदेव के प्रति वो है कि हम हर समय आपको गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं, हर क्षण आप गुरुदेव को फील कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम सब गुरु भाई बहनों में ये चीज आती है तो ये बहुत बड़ी चीज है। और बाकी मंत्र जाप का अजपा होना ना सुनाई देना ये तो गुरुदेव का प्रसाद है, जैसा आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये अनुभूतियां हमारे अंदर चेंजेस आते हैं ना, जो हमें लगाव लगता है अपने गुरुदेव के प्रति, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये जब आने लगता है तो बहुत अच्छा लगता है कि गुरुदेव हमारे को हमको अपनी शरण में लिए है, ये बहुत महत्व रखता है गुरुदेव। बस गुरु बहन बस मैं एक चीज की क्षमा याचना करूंगी कि मैं अक्सर नहीं कभी अनुभूति मतलब जैसे पहले शेयर नहीं किया नहीं करती, उसका एक बेसिक रीजन होता है कि मेरे जो अनुभूतियां होती हैं बड़ी खुद मैं ही नहीं समझ पाती, मैं उनको शब्दों में थोड़ा ढालना मेरे लिए मुश्किल होता है, तो मुझे लगता है गुरुदेव एक दिन मुझे समझा दे वो अनुभूति तो मैं सामने रखू, मेरी ये सबकी बहुत क्लियर अनुभूति होती है। जैसे मैंने आपको ये दो अनुभूति सुनाई, इसमें भी मैं कुछ क्लियर आपको समझ में आया होगा, बस वो भावना ही है, बस मुझे मैं दोनों जो मेरे अनुभूति में एक इम्पोर्टेंट बात है गुरुदेव प्रसन्न है, अब इसके अलावा मुझे लेकिन ये तो फिर भी थोड़ी क्लियर है, बाकी अनक्लियर भी होती है, बाकी कुछ पर्सनल भी होती हैं, तो मुझे कभी समझ नहीं आता। तो हाँ मैं डेफिनेटली मैं इस मंच पे शेयर कर पाती हूँ, लेकिन मुझे क्लियरिटी गुरुदेव दें, मैं प्रार्थना करूंगी गुरुदेव से कि वो मुझे मेरे अनुभूतियों में वो क्लियरिटी दें, ताकि मैं जब यहाँ मंच पे रखूँ तो मुझे लगता है मेरी अनुभूति से कोई कंफ्यूज ना हो जाए, बस इतना मेरे मन में वो रहता है और गुरुदेव ही वो डर खत्म कर। आपने जो अभी अनुभूति हम अभी जो शेयर करी है कि गुरुदेव हम लोग को हमारा हाथ पकड़े हम सभी गुरु भाई बहनों का और बहुत खुश हैं और झुला रहे हैं, तो इसका एक भाव निकल के जैसा मेरे विवेक में बुद्धि में गुरुदेव बोलने पे हमको बुलवा रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं आपके द्वारा या आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ आपकी आराधना से और बहुत प्रसन्न मुद्रा में हमारा अपना हाथ थामे हुए हम लोग का हाथ थामे हुए हैं गुरुदेव, ये आपको दिखा रहे हैं गुरुदेव स्वप्न में कि मैं सभी बच्चों का हाथ थामे हुआ थामे हूँ और सब बच्चे बहुत अच्छे हैं और प्रसन्न है गुरुदेव, तो इसका मतलब हमारी साधना से भी प्रसन्न है गुरुदेव। इसके पीछे मुझे तो यही रीजन लगता है कि गुरुदेव अगर हंस रहे हैं हंसमुख हैं और बहुत खुश हैं तो वो साधना से खुश हैं और प्रसन्न हैं हम गुरु भाई बहनों की, यही कहना चाहते हैं। इसमें खास बात ये है ना कि गुरु बहन सिर्फ मैंने अपने साथ नहीं देखा, मैंने गुरु परिवार के बहुत से सदस्य इनफैक्ट मैं तो देख रही थी, गुरुदेव ने जिनके हाथ पकड़े हुए थे मैं तो देख रही थी, मैं भीड़ में देख रही थी, सामने जो स्टेज पे खड़े थे गुरुदेव के साथ जहाँ गुरुदेव का जोधपुर का वो बना है वहां पे गुरुदेव के साथ जो खड़े थे, अब वो मुझे नहीं पता वो, लेकिन हाँ मतलब मैंने ये देखा कि गुरु परिवार से ठसाठस था वो हॉल और गुरुदेव वहां नाच रहे थे, मतलब वो सारे गुरु परिवार में नाच रहे थे, गुरु परिवार में खुशियां बांट रहे थे, तो ये है बस गुरु बहन, बाकी तो आप लीजिए और मैं तो बस ये मेरी दो छोटी छोटी अनुभूति थी गुरु बहन। नहीं बहुत बड़ी होती गुरु बहन, छोटी नहीं हमारे गुरुदेव की कोई भी अनुभूति, उसके पीछे बहुत बड़ा एक भाव बहुत बड़ा एक संदेश गुरुदेव का छिपा हुआ होता है। हमको बहुत ही कॉमन सी लगती है ऐसी अनुभूति जैसी आपने शेयर करी, अगर हम किसी को भी बताते हैं तो लगता है कि अरे इसमें था ही क्या, लेकिन अगर हम बहुत डीपली जाए अपने गुरुदेव को सोचें तो गुरुदेव क्या संदेश देना चाहते हैं वो होता है इसके प्रति पीछे राज। तो बहुत सुंदर अनुभूति थी गुरु बहन, ऐसी कोई छोटी नहीं होती हमारे गुरुदेव की, सब अनुभूतियां बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ी है। बहुत अच्छा लगता है कि आपने मंच शेयर किया, जय गुरुदेव। चलिए अभी अनुभा जी गुरु बहन ने अपनी बात को रखा मंच पे, उन्होंने भी कहा कि हाँ हमें अभी थोड़ा सा बौद्धिक प्रयास भी करना है, बाकी तो गुरुदेव की क्रिया है कृपा होगी, लेकिन कर्म तो हमें करना ही है, तो इस
जिज्ञासा पे जो हमारे जो आज जिज्ञासा रखी मंच पे हमने, उसपे जो प्रश्न उसपे जो प्रकाश डाला है अभी गुरु भाई और गुरु बहन ने, तो उससे और कितने लोग सहमत हैं या कुछ और भी कहना चाहते हैं कि हमें अपने बौद्धिक प्रयास करना चाहिए मंत्र को जपने में, या केवल गुरुदेव पे ही छोड़ना चाहिए कि जब गुरुदेव चाहेंगे तभी होगा हमारा मंत्र जाप, तो इस पे जरूर अपने अपने विचार रखे सभी गुरु भाई बहन। बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी सबके विवेक में जैसा भी आ रहा है आंसर आ रहा है जरूर मंच पे रखें। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सबकी कि मेरा मंत्र नहीं हो पा रहा, मेरा मंत्र जाप नहीं हो पा रहा है, जब गुरुदेव चाहेंगे तभी होगा, या करते तो हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, गुरुदेव पे ही छोड़ना चाहिए या गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए अपना प्रयास भी करना चाहिए, अपना कर्म भी करना चाहिए। इस प्रश्न पे प्रकाश डाले, इस प्रश्न का आंसर रखें मंच पे, और जो भी अनुभूतियां अपने गुरुदेव अपने बताना चाहते हैं गुरु भाई बहन उसको भी मंच पे रखें, कोई प्रश्न हो साधना के प्रति तो वो भी जरूर से रखें मंच पे। साधना से संबंधित और भी कोई प्रश्न आ रहे हो अगर अपने अंदर तो उसको भी जरूर से रखें। साधना से जुड़ने के बाद और पहले क्या हमारे अंदर परिवर्तन आए हैं उसको भी जरूर से रखें। बहुत सारे नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं, कुछ पूछना चाहते हो तो निसंकोच पूछ, अगर कैमरा ऑन करने में कोई इशू है या नहीं करना चाहते हैं कैमरा ऑन तो माइक के थ्रू भी अपनी बात को रख सकते हैं मंच पे। इस प्रश्न पे अपना ये भी उत्तर बता सकते हैं कि कितने लोगों ने बौद्धिक प्रयास किया और कितने लोगों का ऑटोमेटिक ही मंत्र होने लगा, उन्होंने बैठे और मंत्र जाप उनका हो गया और अजपा हो गया, वो भी रखें मंच पे। दिलीप सिंह जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। गुरु भाई अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए प्लीज, और लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है। अच्छा गुरु भाई तो अपना परिचय दीजिए, आप कहां से जुड़ते हैं और कब गुरुदेव के सानिध्य में आया आपको? मैं करौली से हूं और पिछले साल ही आया हूं संपर्क गुरुदेव से मिला हूं। अच्छा आप करौली से हैं और 2021 में आप गुरुदेव से जुड़े हैं? हाँ जी जी। कैसे जुड़े गुरु भाई आप? मैं जो पलाना में ही मेरी मंत्र दीक्षा मतलब दीक्षित हुआ था, मैं पलाना धाम में। अच्छा अच्छा तो किसी कार्यक्रम में आप गए थे गुरुदेव के? पलाना कार्यक्रम में नहीं गए थे हम, करणी माता के गए थे। अच्छा तो गुरुदेव के साधक भी थे हमारे साथ तो वो लेके गए वहाँ पे, तो उन्होंने करवाई। अच्छा तो लेकिन हाँ जी जुड़ा मैं अभी मंत्र मतलब स्टार्ट मैंने इसी साल किया है जनवरी से, जनवरी या दिसंबर मान लो लास्ट 2021। अच्छा तो अभी 2-3 दिन पहले की अनुभूति है मेरी। जी बताइए। मुझे अनुभूति ज्यादातर क्या सारी अनुभूति रात में होती है सपने में। मुझे दिखा कि एक काला आदमी है, बहुत ही मतलब काले रंग का है, बोल सकते हैं कोयला जैसे,
वो दिखाई दिया और उसके पास में ही एक लड़का बैठा है 17-18 साल का। अच्छा, तो मुझे सपने में ही लगता है कि ये कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान के जैसे उनका स्वरूप है, लेकिन काला रंग, एकदम काला रंग है वो। अच्छा, तो इतने में ही नींद खुल जाती है। ये रात 2 बजे की बात है, दो बजे नींद खुल गई मेरी। फिर मैं वापस सो गया, तो फिर चार बजे फिर मुझे दिखा कि अघोरी होते हैं, नागा साधु जिनको बोलते हैं जी, वो दिखाई दिए मुझे। एक पूरी गैंग में दिखाई दिए जो मतलब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और जो भस्म होती है उसको अपनी शरीर पे मल रहे हैं, कोई चिमटे से अपने आप को मार रहा है, कोई नाच रहा है, ऐसा दिखाई दिया। और नींद 4 बजे फिर दोबारा खुल गई मेरी। अच्छा, तो यही मेरी अनुभूति है। अच्छा अच्छा गुरु भाई, कब हुई आपको अनुभूति? आज हुई ध्यान में कि 2-3 दिन पहले? सपने में हुई, अभी 2-3-4 दिन पहले ही हुई। अच्छा अच्छा आप गुरुदेव से जो जुड़े हैं गुरु भाई, तो कैसे जुड़े आप? सिद्धियों को जानने के लिए जुड़े, इस साधना से को जानने के लिए? मेरा कोई वो ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं नहीं जानता कौन गुरुदेव है, क्या है ये। मेरी तो मतलब अनायास ही हो गई थी मंत्र दीक्षा। अच्छा, फिर मैंने दीक्षित होने के बाद मंत्र जाप भी नहीं किया 1-2 महीने तक, फिर स्टार्ट किया मैंने, ऐसे ही अपने आप ही हो गया वो। अब मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन मैंने अपने आप पे स्टार्ट कर दिया अपने मन से ही। फिर 8-7 दिन मैंने मंत्र जाप ऐसे ही किया, फिर मुझे गुरुदेव दिखे सपने में। गुरुदेव ने आदेश दिया मंत्र जाप कर और ध्यान कर, एकदम जो फोटो में दिखाई देते हैं सैम वो ही दिखा, और खुली आंखों से देखा। मैं सो नहीं रहा था, जाग ही रहा था, आंखें खुली हुई थी, ऐसे में मुझे अच्छा दिखे गुरुदेव। तो अच्छा, उसके बाद से मैंने कंटिन्यू कर दिया ध्यान और मंत्र जाप। बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत बढ़िया। और अच्छा ये बताइए गुरु भाई कि अनुभूति तो आपने अभी सुनाई अपनी, आपके अंदर क्या क्या कुछ चेंजेस हुए साधना को करते हुए, क्या चेंजेस आए? चेंजेस तो काफी ज्यादा आए। पहले मतलब डिप्रेशन इतना ज्यादा था कि मैं मरने की स्थिति में पहुंच गया था। अच्छा अच्छा तो अभी एकदम आनंद ही आनंद है, डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं है, और ना कोई विचार आते हैं उल्टे सीधे, किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं आते, बस ध्यान में से पूरे दिन मंत्र जाप चलता रहता है। और ध्यान दोनों टाइम, ध्यान में कोई अनुभूति नहीं होती ना, मतलब ध्यान भी इतना कोई खास लगता नहीं है, लेकिन फिक्स 15 मिनट ही मेरा ध्यान लगता है, 15 मिनट में आँख खुल जाती है। जी, और अभी कुछ दिनों से ये भी हो रहा है, मेरी बैक में कुछ हरकतें हो रही है, मतलब सबसे पहले हुई मंत्र जाप के 2-3 महीने बाद ही मेरी पीठ में, मेरी बैक में हरकतें स्टार्ट हो गई, जैसे कोई मेरी बैक में, मतलब पहले तो पूरी बॉडी में जैसे चींटियां चलती है, चींटियां रहती अच्छा, है अच्छा, पूरे दिन यही चलता रहता था जैसे चींटियां, फिर वो बंद हो गया। उसके बाद में मेरी बैक में सबसे नीचे, मतलब जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, उसमें ऐसे जैसे कोई कील चुभा रहा है, कांटा चुभा रहा है, अच्छा ऐसी हरकतें हुई। फिर तो उससे थोड़ा ऊपर हुई, फिर थोड़ा ऊपर, फिर कंधे पे जाके हुई वही हरकत। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं हुई। फिर अच्छा, 2-3 महीने बाद, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, उसके बाद फिर से वही हरकत हुई। मेरी बैक का एक हिस्सा पूरा एकदम गर्म हो गया कुछ सेकंड के लिए। अच्छा, फिर ठीक हो गया, फिर से दोबारा वही चीज हो गई, पूरे दिन वही चलता रहा। बीच में अच्छा, कुछ मतलब 2-3 सेकंड के लिए तो ऐसा हुआ कि पूरी बैक मेरी एकदम गर्म तपने लग गई जी। और फिर मैंने गुरुदेव का स्पीच ही सुन रहा था मैं पूरे दिन, मतलब जब भी टाइम मिलता है स्पीच सुनता रहता हूँ जी। फिर मैं वहां से खड़ा होके, जैसे मतलब मुझे लगा कि कुछ हो रहा है मुझे, तो मैं बाहर निकल लिया। फिर एकदम ठंडा ऐसा लगा जैसे पूरी पीठ मेरी ठंडी हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद अभी भी होती है जैसे को, फिर
परसों क्या हुआ, 2-3 सेकंड के लिए मेरे सिर में जैसे कोई नीचे से खिंचाव होता है, कोई कील नीचे से मतलब खींचता है, ऊपर ठोकता है और नीचे से खींचता है उसको, ऐसी अनुभूति हुई। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मंत्र जाप से हो रहा है या फिर मेरा वहम है कुछ है? नहीं गुरु भाई, वहम तो नहीं है इसमें, कोई वहम नहीं चलता है इस साधना में, कोई वहम नहीं होता है। ये जो आपकी चीजें हो रही हैं अंदर, जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, तो जो हमारी कुंडलनी शक्ति है, जो कुंडलनी शक्ति डिवाइन पावर जो हमारे अंदर है, उसका वर्क चलता है गुरु भाई अंदर, सूक्ष्म वर्क चलता है। कभी हमको रियलाइज होता है, कभी नहीं रियलाइज होता है। तो अगर नहीं भी होता है रियलाइज, तो भी हमारा वो वर्क अंदर चल रहा है, और कभी कभी वो रियलाइज होता है, जैसा कि आपको रियलाइज हो रहा है, कभी नीचे चीटियां तो कभी ऊपर आपको खिंचाव हो रहा है, कभी कील सा चुभन सी हो रही है। तो ये अंदर आपका जो है ये वर्क चल रहा है, ये कोई वहम नहीं है, इसमें डाउट संदेह वहम का कोई स्थान ही नहीं है साधना में गुरु भाई। हाँ, मुझे तो एकदम क्लियर पता चल रहा है, जैसे कोई पीठ जल रही है, कोई कांटा चुभ रहा है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन दर्द वर्द कुछ नहीं है, दर्द नहीं होता? नहीं जी, कुछ भी नुकसान नहीं होता है गुरु भाई इसमें, इस साधना को करने में हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो जो कुंडलिनी शक्ति डिवाइन पावर जो हमारे अंदर है, वो गुरुदेव के कंट्रोल में है, समर्थ हमारे सदगुरु है, हमारे गुरुदेव उनके कंट्रोल में सब जी। बहम का तो मैं इसलिए बोला क्योंकि मैं देखता हूँ कई वीडियोज में, सेशन में भी, कि कोई तीन चार साल से साधना कर रहा है, वो भी बोलता है कि हमें तो कोई ना ध्यान लगा ना कोई हरकतें हुई, तो मुझे ये लगता है इतनी जल्दी कैसे ये चीजें हो रही है, तो इसलिए मुझे कई बार है कि अच्छा ठीक है, आपका सोचना भी जायज है, लेकिन गुरु भाई विनोद पुरोहित जी ने भी हैंड रेस किया, गुरु भाई देखिए कुछ कहना चाहते हैं जी। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई बस मैं एक लाइन बोलना चाहता था कि एक तो जैसे आपने कहा कि भाई मेरा ये वहम तो नहीं है, तो ये गुरुदेव ने कई बार कहा है इस बात को कि ये चेतन मंत्र है, असंख्य गुरुओं की कमाई है इसमें, मैं तो लुटाने निकला हूं, तो ये बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। दूसरा जो है, आपने जो एक बात कही कि लोग जो है कुछ ऐसे हैं जो 4-4 साल से करते हैं, उनको कोई अनुभव नहीं होता, तो गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि आप जो सामने बैठे हो 500,000 जितने भी लोग बैठे हुए हैं, गुरुदेव ने कहा है कि सबके अपने प्रारब्ध के अनुसार, सबके अपने प्रारब्ध के अनुसार रिजल्ट मिलेगा। किसी को पहले दिन ही खेचरी भी लग सकती है, और किसी को जो है 6 महीने तक भी हो सकता है कोई अनुभूति ना हो, लेकिन वो DNA स्तर पे जो है परिवर्तन आएगा, अंदर ही अंदर परिवर्तन आएगा, साधना बेकार नहीं जाएगी। आप जो मंत्र जाप करोगे, एक बार भी बोला हुआ मंत्र बेकार नहीं जाएगा, वो अंदर ही अंदर जो है आपके परिवर्तन लाएगा, वो आपको फील नहीं हो रहा, अनुभव नहीं हो रहा, बस इतना ही फर्क है, लेकिन वो साधना जो है वो लगातार काम कर रही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो गुरु भाई ने जैसे अभी बताया आपको गुरु भाई दिलीप सिंह जी, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपके अंदर वो वर्क चल रहा है, और किसी को रियलाइज होता है, किसी को नहीं रियलाइज होता, लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ साधना के परिणाम अंदर हो रहे हैं, और वो हमें दिखते भी हैं, कभी कभी हमें अनुभूतियों के द्वारा पता चलते हैं, कभी कभी जब हमारे अंदर चेंजेस आते हैं तो वो भी एक तरह की अनुभूति होती है कि हमारे अंदर गुरु से जुड़ने के बाद ये चेंजेस है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत लोगों को बहुत सालों तक कुछ नहीं हो रहा है, तो उनके अंदर भी वर्क चल रहा है गुरु भाई। ऐसा नहीं है कि अगर उनको कुछ नहीं हो रहा है तो गुरुदेव ने उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। गुरुदेव जिस दिन हमें प्रथम दिन ही पहले दिन जिस दिन दीक्षित करते हैं, हम उनकी शरण में चले जाते हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ते। हम भले ही भटक जाते हैं, लेकिन वो हमारा हाथ हमेशा पकड़े रहते हैं और हमारे अंदर वर्क चालू रहता है गुरु भाई। तो हमें ये देखना भी नहीं है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, और या दूसरे के साथ कितना हो रहा है, हमारे अंदर क्या नहीं हो रहा है, कितनी हमारी साधना दूसरे से कम है या ज्यादा है। हमें तो अपने मंत्र पे ही बस ध्यान देना है कि मंत्र हमारा चलता रहे और 2 टाइम हम ध्यान दे रहे, इस पे बहुत जोर देना है गुरु भाई। तो हाँ, बहुत अच्छा है आपकी अनुभूतियां हो रही है इस तरह की, और ये कोई वहम नहीं है गुरु भाई, ये आपकी बहुत अच्छा चल रही है साधना। और कोई आपको क्या गुरु भाई कोई शारीरिक परेशानी भी थी?
ना शारीरिक कोई परेशानी नहीं थी मुझे, पथरी थी, पथरी ठीक हो गई। अच्छा, इसी साधना को करते हुए हुई पथरी ठीक आपकी? करते हुए ही हुई। अच्छा, कहाँ पे थी पथरी आपके गुरु भाई, स्टोन कहाँ था आपके? स्टोन पेट में था, मतलब पेट में, लेकिन वो यूरिन के साथ निकल गई फिर। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर गुरु भाई। देखिए, इससे जो आप ऐसी चीज बता रहे हैं अभी आपके कि स्टोन आपका साधना को करते हुए चला गया, तो जब और भी गुरु भाई जो लोग भाई बहन जो सुनते हैं इस चीजों को, तो उनको एक विश्वास भी पैदा होता है कि हमारी साधना ठीक चल रही है, और इस साधना से सभी बीमारियां, हर तरह की जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, सभी सही होती हैं। बस शर्तें हमारी साधना अच्छी हो, हम मंत्र को बहुत अच्छे से जप रहे हो, तो हमें कोई परेशानी रहेगी। बड़ा सुंदर कि आपका स्टोन ठीक हो गया इस साधना को करते हुए। एक चीज और हुई है, मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था, तो पहली बार आया तब तो ऑपरेशन करवा लिया, वो ठीक हो गया। फिर सेकेंड बार आया तो रात के टाइम बहुत जोरों से दर्द स्टार्ट हो गया उनके, और गांव में कोई डॉक्टर नहीं आया। मैं गया भी डॉक्टर को, 3 बजे 2 बजे की बात है, कोई डॉक्टर नहीं आया। तो मैंने क्या किया, गुरुदेव की फोटो, मेरे पापा सोते हैं उसके सिर के पीछे, बेड के पीछे वो होती है रैक, उसके अंदर फोटो रख दी और गुरुदेव से प्रार्थना की। तो ना कोई दवाई ली पापा ने, ना कुछ भी नहीं किया, और वो सुबह तक, मतलब एक रात में ही ठीक हो गए, और बहुत अच्छी नींद आई, सुबह नींद खुली और फिर मतलब जो उनके हार्ट में पेन हो रहा था, हाँ वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत है गुरु भाई, ये साधना बड़ी अद्भुत है। गुरुदेव ने हम लोग को ऐसी चीज दे दी है, और इतने इजी और इतनी सरलता से दे दी है कि जिसका हम मूल्य ही नहीं समझ पाते हैं, ये कितनी बड़ी चीज गुरुदेव ने दे दी। तो आपके जो पिताजी हैं, आपके फादर हैं, वो कर रहे हैं साधना गुरु भाई अब? नहीं, वो नहीं कर रहे, उनको पता भी नहीं है और मैंने बताया भी नहीं, नहीं और तो उनको, भाई उनको उनको ये भी पता नहीं कि मैंने वो फोटो रखी है वहां पे। नहीं तो गुरु भाई देखिए, आपको गुरुदेव ने इतना अच्छा प्रसाद दिया है, और पिताजी की चीजों को आपकी प्रार्थना से गुरुदेव ने सुना है, तो आप अपने पिताजी को जरूर, फादर को जरूर जोड़िए साधना से, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और अगर आप किसी को जोड़ते हैं तो ये हमारे गुरुदेव का प्रचार जो है वो भी एक प्रसाद होता है, हम बांटें गुरुदेव का जितना ज्यादा से ज्यादा बांटें। तो अपने फादर को जरूर से जोड़िए और उनको पूरा समझाइए कि ये साधना क्या है, और आपको जो उस दिन परेशानी आई थी वो हमारे गुरुदेव ने ही हल करी है, साक्षात भगवान ने हल करी है। कई बार, मतलब कई बार ऐसा देखने को मिला है मुझे कि गुरुदेव ने खुद खड़े होके हेल्प करी है। जी, तो हमेशा करते हैं गुरु भाई जी, क्या हमेशा ही करते हैं गुरु भाई हमारे गुरुदेव, तो हर क्षण हमारे साथ है। और अभी अभी एक और अनुभूति हुई मुझे, उसको तो कह सकते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति कह सकते हैं उसको तो। जी जी, रक्षाबंधन 11 तारीख को था, 10 तारीख को मुझे वो अनुभूति हुई। हमारे मॉल में एक लेडीज है, प्रेग्नेंट है वो, तो मुझे दिखा कि उसकी जो ननद है वो एक लड़के को लेके बैठी हुई है, छोटे बच्चे को, और वो लड़का ही है। तो अभी 2-3 दिन पहले मुझे कॉल आया कि उस लेडीज को लड़का ही हुआ है। अच्छा अच्छा, क्योंकि उसके पहले से 3 लड़कियां थी और सब चाह रहे थे कि लड़का ही हो। मैंने भी प्रार्थना करी गुरुदेव से, गुरुदेव इस बार को, तो ये हुआ, ये अनुभूति है एक। भाई तो आपको पूर्वाभास भी होने लग गया, जैसा कि हमारे गुरुदेव फरमाते हैं कि हमारे कई शिष्यों को भविष्य दिखता है, तो ये बात यहाँ पे सत्य होती। और भी कुछ चीजें दिखाई दी जो शायद भविष्य में आगे हो। अच्छा अच्छा जी गुरु भाई, हाँ दिखाई देती हैं इसमें कोई भी, गुरुदेव कहते हैं ये कोई मिरेकल, कोई वंडर नहीं है, ये तो होना ही है इस योग में ऐसा। हाँ, और मुझे लगता है कि भविष्य में जरूर वो चीजें होंगी जो दिखाई दी। जी जी, नहीं तो आप गुरु भाई जिनके
लिए आप प्रार्थना करते हैं या जिनका आपको दिखाई देता है उनको भी अपने गुरुदेव से जरूर से जोड़िए। इस योग के बारे में एक बार जरूर बताइए, जुड़ना या ना जुड़ना या जोड़ना तो गुरुदेव के हाथ में है, उनकी कृपा पे है। लेकिन आप लिंक मैंने सबको, मेरे पास जितने भी कॉन्टेक्ट है सबको मैंने गुरुदेव के वीडियोस का लिंक सेंड कर रखा है, तो बाकी तो वही है, गुरुदेव चाहेंगे तो ही वो जुड़ पाएंगे, वरना अपना काम तो बताना चाहिए है। जी नहीं, आप अपने घर में भी जोड़िए अपने और आसपास लोगों को भी प्रयास करिए जोड़ने का, अपने गुरुदेव के बारे में बताइए। आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां हो रही हैं, तो बड़ा सुंदर है आपका तो साधना गुरु भाई। और क्या क्या चेंजेस आए गुरु भाई आपके अंदर? चेंजेस तो बहुत सारे आए, मतलब किसी से ना कोई ईर्ष्या होती है, ना कोई द्वेष, ना मतलब कोई दुश्मनी, ऐसे किसी के प्रति होता ही नहीं है कि हाँ ये कुछ गलत भी कर रहा होता है, तो यही होता है कि करने दो जो कर रहा है ये उठेगा। जी 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 जी, क्योंकि चेंजेस भी जब आते हैं हमारे अंदर तो ये बहुत बड़ी कृपा होती है गुरुदेव की कि हमारे अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं। जी बदलाव तो बहुत ज्यादा आया है, पूरा मतलब पूरी लाइफ बदल गई इन पिछले 6 महीनों में। चलिए बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छा है। मैं अपने अनुभूतियों, अपने जिज्ञासा सबको रखा मंच पे और ऐसे ही जुड़ते रहिए आप लोग, सभी गुरु भाई बहन जुड़े हैं जिससे सभी को मोटिवेशन मिले। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। चलिए और कोई कुछ कहना चाहता हूँ, नहीं तो सेशन का समय भी हो गया है। सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में रखे और गुरु भाई पधार चुके हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।